हेलो गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू टेस्ट बुक डॉट कॉम यस गाइज कैसे हो सब लोग आई एम ऑडिबल टू एवरी वन सबको बता दीजिएगा सो so, बात करेंगे uh, करंट uh, 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 अफेयर्स था उसका रिविजन हमने मंडे के सेशन में किया आज हम लोग बाकी न्यूज के ऊपर बात करेंगे तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल आई एम ऑडिबल टू एवरी वन एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल यस yes so इनिशिएट करेंगे आज के हमारे सेशन को events, उसके बात करते हैं और बाय सेशन है जहां पे इंपॉर्टेंट डेज जो पिछले तीन महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज थे उन इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर एक छोटा सा सेशन रखा हुआ है थर्टी मिनट्स का ताकि वापस सारे के सारे डेज एक बार रिवाइज हो जाए और एग्जाम में कोई दिक्कत ना जाए तो वो ग्यारह बजे हम लोग डिस्कस करेंगे याद रखिएगा स गाइज सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जिनको नहीं पता जो पहली बार जुड़े हैं दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको सारे नोट ये प्रोवाइड किए जाएंगे तो यू कैन फॉलो दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो येस गाइज फाइन वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड विल स्टार्ट विद से सेशन सबसे पहले बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे के ऊपर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यस टॉलरेंस इंडिया टॉलरेंट है कि नहीं है यह डिबेट बहुत बार चलता है कि भाई हमारी कंट्री टॉलरेंट है कि नहीं है सोशल नेटवर्किंग को अगर ओपन करे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि यार टॉलरेंस कहीं ना कहीं कम हो चुका है कुछ लोगों का मैक्सिमम लोगों के पास टॉलरेंस है इंडिया इस चीज के लिए बड़ा फेमस है कि भाई हमारे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कल्चर को कल्चरल डायवर्सिटी को रिलीजियस डायवर्सिटी को या कास्ट डायवर्सिटी को एज वेल एज लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी को पर कुछ लोग हैं जो बवाल क्रिएट करना जिनको बड़ा अच्छा लगता है सो so, आज का डे बहुत ज्यादा मैटर करेगा इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 1995 में आ, जो ईयर है 1995 का ईयर वो पूरा का पूरा ईयर इंटरनेशनल ईयर फॉर टॉलरेंस ऐसा सेलिब्रेट किया गया था 1995 याद रखेगा इस डे की बात करें तो ये डे कब से करना शुरू किया है तो 66 से इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया है इस डे को ऑब्जर्व करना शुरू किया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से बेसिकली यूनेस्को पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यूनेस्को के अगुवाई में ये डे पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व करते है. है, थीम रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट एक्सेप्ट के या चेरिश द डायवर्सिटी द रिच डायवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड के सबको चेरिश करो सबको रिस्पेक्ट करो सबको सबको इक्वली ट्रीट करो इसी परपज से 1966 से इस डे को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लेवल पे और 1995 जो ईयर है ये पूरा का पूरा ईयर ये टॉलरेंस ईयर के हिसाब से सेलिब्रेट किया गया था याद रखिएगा सो so, जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बता दीजिएगा यूनेस्को की जब हम लोग बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे आता है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा देखते एक बार कितने लोग इसका आंसर करते हैं यस गाइज जल्दी से आंसर कर दीजिएगा देखिए टॉलरेंस की मैं बात कर रहा था और कभी कभी इनटॉलरेंस टॉलरेंस ये हमारे लेक्चर के अंदर भी दिखाई पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सबको देखिए वेन इट कम्स टू कंगना राणावत सलमान खुर्शीद या किसी की भी हम लोग बात करें या कोई भी है जो कुछ कर देखिए हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है हर किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि किसी ने कोई पॉइंट लिखा वो आपको पसंद नहीं है के जैसे कंगना रानावत की बात करेंगे सलमान खुर्शीद की बात करेंगे उनके पॉइंट बहुत ही जिनको वायरल करेंगे ये तरीका नहीं होता है किसी चीज के ऊपर वर्क करने का के, अगर आप उससे डिसएग्री करते हो तो डिसएग्री करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम का एक कंसेप्ट होता है जो बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं तो उसी को टॉलरेंस की बात की जाएगी ठीक है यस गाइस का क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था 1945 पेरिस बहुत बढ़िया वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट सो गाइस आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है ऑडिट दिवस ऑडिट दिवस की बात की जाएगी आज 16 नवंबर है और आज ऑडिट दिवस पहली बार देश में मनाया जा रहा है मोदी साहब आज कैग का जो ऑफिस है दिल्ली में उसी ऑफिस के प्रमैसे में इस ऑडिट दिवस पे अपना एक स्पीच देने वाले हैं याद रखिएगा ऑडिट दिवस पहली बार हो रहा है कैग 1858 कैग की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश करने के लिए हम पहली बार ऑडिट दिवस ये सेलिब्रेट करने वाले तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जितना टॉलरेंस डे के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है उससे कई गुना क्वेश्चन आपके ऑडिट दिवस पे पूछ जाएंगे ध्यान रखिएगा

ऑडिटिंग करने की जिम्मेदारी ये जीसी मुरमू मुर्मू साहब के अंडर कैग करता है ये आप सबको अच्छे से होगा ठीक है so सो एक पॉइंट यहां पे याद रखा यस आर्टिकल नंबर 148 की हम लोग यहां पे बात करते हैं यहां पे मोदी साहब कैग के प्रिमैसेस में इस दिवस का सेलिब्रेशन होगा साथ में सरदार पटेल साहब का स्टेच्यू है जो भी यहां पे इनोग्रेट करेंगे सरदार पटेल साहब का स्टैचू इसका मतलब डायरेक्टली ऑफ यूनिटी यहां पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपल स्टैचू है इसको यहाँ पे किया जाएगा ठीक है देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ द ऑडिट दिवस विल बी सेलिब्रेटेड द मार्ग हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इट टू द एटीन सो एट की बात करते ब्रिटिशर्स क्रिएटेड दिस डिपार्टमेंट इन इंडिया इन नाइनटीन आवर पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द एक्ट फॉर इट बनाई गई थी, पर act के इसको और दिए गए, याद रखिएगा। आप लोगों ने mention किया, गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन ध्यान रखिएगा। स्टेटरी ऑडिटर का मतलब है कि ये पहले केवल अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो इसके पास पावर थे नो डाउट अबाउट दैट गवर्नमेंट्स को ऑडिट करने के स्टैट्यूटरी का मतलब हो गया कि एक 1971 में जो हमने पार्लियामेंट के थ्रू लॉ पास करवाया जिसमें और पावर्स एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए सो दैट इट कैन डू द गवर्नमेंट कंपनीज के भी ऑडिट को अच्छे से हैंडल किया जाता है यू कैन सी ओवर ओर द रिपोर्ट ऑफ कैग आर लेट बिफोर द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर अगर स्टेट का ऑडिट करता है तो लेजिस्लेचर दो विधानसभा होती है वहां पे भी इसका रिपोर्ट पुट किया जाएगा याद रखेगा सो कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स पब्लिक अकाउंट कमिटीज सो इन सब का भी डिस्कशन कैग के थ्रू होके ये रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए जाएंगे और जीसी मुर्मू साहब की बात करेंगे पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे और बाद में इनको एज अ कैग अपॉइंट किया गया इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी याद रखेगा सो यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले मल्टीपल be क्वेश्चन में सेलिब्रेट किया जा रहा है ध्यान रखिएगा ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट न्यूज अगेन अगर ऑडिट की बात हमने कर ली पैसे की बात हमने कर ली तो एक पैसे वाला एक और टॉपिक हमारे सामने आता है टैक्स डिवोल्यूशन टू स्टेट्स डबल्ड टू नाइनटी

फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डिवेल्यूएट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है तो नाइनटी फाइव थाउजेंड करोड़ का जो पैसा है दैट मच अमाउंट ऑफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करेगी पैसा बढ़ गया है स्टेट की दिवाली अभी शुरू हुई है नो डाउट अबाउट दैट यस गाइज यस यस गाइस लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर करते चलो आ, अलग अलग आंसर यहां पे आ रहे हैं कि 1.7 पॉइंट लाख करोड़ 1.8 लाख करोड़ ऐसे अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं ओके सो यस गाइस या अगर हम बात करें तो यस

फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन जल्दी से मुझे बता दीजिए पंद्रहवे फाइनेंस कमीशन के हमारे हेड कौन थे हमारे इंचार्ज कौन थे जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते तो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से कुछ पैसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है अब 95,082 अगर एक्चुअल अमाउंट की बात करें तो 95,082 करोड़ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट नवंबर मंथ में स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी

तो अभी सिर्फ अमाउंट की तरफ ध्यान रखेगा इतना आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ रहेगा और डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जस्ट गो थ्रू दैट दैट विल बी इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो यगामी फाइव यस वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम वॉज हेल्ड थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म सिक्सटीन कौन है जब आ जाएंगे तो आपको बता देंगे ओके okay? तब तक आप पहले फिफ्टीन का नाम याद कर लीजिए आर्टिकल नंबर ध्यान रखिए और उनके रिकमेंडेशंस के ऊपर जो पैसा दिया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान रखिएगा यार पे ना एक और मुझे बताना था कि चलो कोई बात नहीं आपके बैच के साथ में एक बार आ, रिस्क ले लेता हूं कैपेक्स के वैसे कभी जब हम इंग्लिश में बात करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है टॉलरेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है कैपेक्स की बात करेंगे कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एस एस सी हो रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका यूपीएससी बैंकिंग या कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन पूछते इकोनॉमी का question है, CapEx. CapEx का क्वेश्चन है कैपेक्स कैपेक्स फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर मीनस वॉट जब कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंटल योजनाओं के ऊपर पैसा खर्च करती है जब कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के ऊपर पैसा खर्च करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है तो जो पैसा दिया जाएगा ये जो 95,000 करोड़ स्टेट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करना है ये पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च नहीं करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सैलरीज देने के लिए पेंशन प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडी देने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और डेवलपमेंटल स्कीम्स के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा तो स्टेट्स को हिदायत दी गई है ये पैसा कैपिटल के लिए खर्च कीजिएगा रेवेन्यू के लिए नहीं ये भी पॉइंट याद रखेगा ठीक है चलो सो दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सीनारियो वी पावर द इंडिया पार्टनरशिप फोरम वॉज हेल्ड थ्रू अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम चलो इसके ऊपर बात करते हैं अब वी पावर एग्जैक्टली क्या है कि ये वी पावर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी और द पावर इंस्टीट्यूशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली जितनी अथॉरिटीज होती है उससे रिलेटेड न्यूज आपके पास है अब जल्दी से मुझे बता दीजिए हमारे कंट्री के पावर मिनिस्टर कौन है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा देखते कौन मिनिस्टर है अब पे मिनिस्टर साहब का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है के, पर मिनिस्टर साहब के अंडर जो एक अथॉरिटी काम कर, करती है उसका इन्वॉल्वमेंट यहां पे लेट्स टॉक वी पावर इंडिया पार्टनरशिप ये क्या करता है अब देखिएगा इट वॉज लॉन्च टू स्केल अप द साउथ एशिया वेमेन पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क के अब यहां पे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे साउथ एशिया वेमेन इन पावर सेक्टर अब इंडिया में महिला यहां पे महिलाओं की बात की जा रही है साउथ एशिया साउथ एशिया मीन अफगानिस्तान से लेके मॉल तक हम लोग नॉर्मली साउथ एशिया कैलकुलेट करते हैं तो साउथ एशिया के अंदर जो महिलाएं पावर सेक्टर के अंदर काम करती है जो महिलाएं पावर सेक्टर में बड़े बड़े पोस्ट में काम करती है उनके लिए एक नेटवर्क लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वी पावर यस आरके सिंह साहब की बात की जाएगी so, वी पावर अगेन ध्यान रखेगा महिलाएं साउथ एशिया की महिलाएं जो पावर सेक्टर प्रोफेशनल्स है पावर सेक्टर के अंदर काम करती चाहे गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती होगी प्राइवेट पावर कंपनीज के अंदर काम करती होगी उन सारे महिलाओं का एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है नाम रखा है है वी पावर इंडिया ने इसकी शुरुआत की एंड यस ये यहां देखिए इट वॉज अटेंडेड बाई दिक्सटी एट की एनर्जी सेक्टर स्टेक होल्डर्स वन सिक्सटी एट स्टेक होल्डर्स जो लोग इन्वॉल्व है इन सेक्टर के अंदर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया अब इंडिया यहां पर इन्वॉल्व है नो डाउट अबाउट दैट उसके ऊपर तो हमारी बात हो गई और कौन इन्वॉल्व है यहां पे वर्ल्ड बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन एसोसिएशन विद इंडिया स्मार्ट ग्रिड ग्रिड फोरम फोरम इंडिया स्मार्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम की बात करेंगे ये हमारे पावर मिनिस्ट्री के साथ काम करता है तो इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया इंडिया के अंदर यहां पर दो लोग और इन्वॉल्व है वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी एशियन डेवलपमेंट बैंक

जेंडर इक्वालिटी इन द इंडियन इलेक्ट्रिक सेक्टर देखिए यहां पे भी जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है सो जेंडर इक्वालिटी इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर एंड फॉर दैट पर्पज वर्ल्ड बैंक की शुरुआत की गई थी वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से और अभी इसका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था एंड दैट्स वाई हम इस न्यूज के तरफ ध्यान दे रहे हम इस न्यूज के बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक के हेड है वर्ल्ड बैंक के इंचार्ज है वर्ल्ड बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुलांत है अंशुला कांत ये पहले एस में ऑफिसर हुआ करती थी एंड राइट नाउ शी इज़ द चीफ फिनेंशियल ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा देखिए एस से वर्ल्ड बैंक तक का सफर कितना बड़ा सफर है यार एस में एज अ पीओ कोई लेडी लगती है और उनको वर्ल्ड बैंक पे चीफ फिनेंशियल ऑफिसर के पोस्ट पे बिठाते हैं तो ये बहुत बड़ा सफर है बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है तो जो लोग भी बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हैं, यह मत सोचिएगा कि केवल बैंक तक तो ही सीमित रहोगे आप वर्ल्ड लेवल पे काम कर सकते हो जिसका जीता जागता एग्जाम्पल अंशुला कांत है ध्यान रखिएगा ज ए नेटवर्क ऑफ ट्वेंटी एट एनर्जी सेक्टर यूटिलिटीज एंड कमिटेड टू इंप्लीमेंट सिस्टमेटिक इंक्रीमेंटल टू सपोर्ट वर्क फोर्स में जितनी भी महिलाएं काम कर रही है एनर्जी सेक्टर में उनको प्रमोट करना है उनको एम्पावर करना है उनके वर्क को प्रेज करना है एंड फॉर दैट रीजन वी पावर एक कंसेप्ट लॉन्च किया गया अब देखिए हमारे पास स्टेम नाम का कंसेप्ट आपको याद होगा स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ टेम को भी हम लोग प्रमोट करते इफ यू रिमेंबर जब पोखरियाल साहब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे तब तो स्टेम को लेके एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जहां पे स्मृति ईरानी जी भी इन्वॉल्व थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के हैसियत से उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने भी स्टेम के एंगल में एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था और स्टेम को लेके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट हमें इंकरेज करना है इसमें लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट हमें इंक्रेज करना है और इसी के लिए वी पावर वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे इन्वॉल्व है ठीक है यस एब्सोलूटली चलो बहुत बढ़िया दैट विल बी इनफ फ्रॉम दिस न्यूज वी पावर समझ में आ गया तो यहाँ पे प्लीज गड़बड़ मत कीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और एक बात हमेशा याद रखिएगा एक बात एग्जाम देने वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनको ऑफिसर लेवल पे जाना है हमेशा याद रखिएगा जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की न्यूज आती है आपका आपका फोकस थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस भी उतने ही ज्यादा आते हैं जब भी वुमन एम्पावरमेंट की बात आएगी किसी भी एंगल में हो वे न्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आ इधर स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज हो सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूज हो या फिर किसी इंटरनेशनल एंगल में कोई प्रोग्राम चल रहा होगा ध्यान रखिएगा एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे तरीके से उसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यस yes, uh, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर सॉरी नेक्स्ट न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रही अ जॉइंट साइकिलिंग रैली ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेशी आर्मीज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन 15 टू 24 कवरिंग द जेसोर टू कोलकाता नाउ एवरीवन वन नोज दैट कि बांग्लादेश एंड इंडिया कितना क्लोजली रिलेटेड है के सो एवरी वन अगेन द गोल्डन जुबली ईयर है बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस का उनके लिबरेशन का कि ईस्ट पाकिस्तान पहले जिसे कहते थे इंडिया की मदद से 1970s में बांग्लादेश क्रिएट किया गया अब उनका गोल्डन जुबली ईयर है और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो एक जॉइंट साइकिल रैली है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी के साइकिलिंग टीम को हेड कर रहे कर्नल मोहित सिंह कोलकाता कैंटोनमेंट से बिलोंग करते तो कर्नल मोहित सिंह के ये इंडियन आर्मी के कंटिजेंट को लीड कर रहे और इनका जॉइंट साइकिल ऑर्गेनाइज किया गया था दैट विल बी इनफर दैट इट ओके सो इतना एक याद रखेगा चलो मैं आगे बढ़ता हूँ एक और न्यूज है आर्मी के एंगल में और वो न्यूज देखते हैं एक बार यस इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द सिक्स बाइनियर ट्रेनिंग है शक्ति कि ये पंद्रह से छब्बीस नवंबर ये स्टार्ट हो चुका है फ्रांस के अंदर तो शक्ति इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज विथ फ्रांस एंड इंडियन आर्मी जल्दी से कमेंट सेक्शन में इंडियन आर्मी के हेड का नाम डाल दीजिए इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स दोनों के हेड्स चेंज हो रहे एयरफोर्स uh, के तो हेड चेंज हो चुके नेवी के ये नेक्स्ट मंथ से चेंज हो जाएंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर एयरफोर्स और नेवी के नए हेड्स का नाम डाल दीजिएगा और आर्मी के भी हेड का नाम के शक्ति इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस फ्रांस के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा यस वी आर चौधरी साहब की बात की जाएगी तो वो हमारे एयरफोर्स के एमएम नरावने साहब इंडियन आर्मी के एंड यस गाइस यस यस बहुत बढ़िया ओके okay. आर हरी कुमार यस आर हरी कुमार नेक्स्ट मंथ से हमारे नेवी का नेतृत्व करेंगे फिलहाल करमवीर सिंह सा साहब के पास उसका नेतृत्व है नेक्स्ट मंथ से आर हरी कुमार साहब के पास आ जाएगा बहुत बढ़िया ना तो प्लेटून स्ट्रेंथ ऑफ तो द गोरखा राइफल इन्फेंट्री अब ना कुछ एग्जाम्स में एक पॉइंट देखा गया बिकॉज आजकल एक्सरसाइजेस के बारे में क्वेश्चन ना बने बनाए बन गए कि भाई शक्ति किसके साथ होता है ये फिक्स हो गया या मैत्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है के? तो कुछ चीजें ना बड़ी फिक्स हो चुकी है तो अभी क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है कौन सी बटालियन कौन कौनसी इंफेंट्री पार्टिसिपेट किया या कौन सी शिप है अगर नेवी का होगा तो कौन सी शिप पार्टिसिपेट कर रही है अब थोड़ी पढ़ाई एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी okay? ये दिक्कत आती है ये दिक्कत हमेशा आती है कि ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई इसके ऊपर और क्या पूछ सकते तो फिर वो थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट वाली या कंट्री वाली न्यूज होगी तो पहले क्या था कि इस कंट्री का कैपिटल बता दीजिए अब पूछते उस कंट्री का करेंसी बता दीजिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है वैसे यहां पे हो हो गया कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो हो रही है चलो इंडिया फ्रांस की नाम शक्ति रखा गया एक्सरसाइज फ्रांस में हो रही है अब क्वेश्चन ये पूछेंगे कि इंडिया से कौन सी बटालियन पार्टिसिपेट कर रही है तो यहाँ पे गोरखा राइफल्स का नाम याद रखिएगा दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ओके पहला 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था

के क्योंकि हरि कुमार साहब अभी हमारे आ, आ, नेवी को हेड करने वाले और साहब है एक्सरसाइज शक्ति को लेके याद रखे इंडियन आर्मी वाला तो साथ में नाम भी हो रहा है और उनके एक्सरसाइज के नाम भी ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार बनता है एक और हमारे पास है ध्यान रखिए डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन ये एक स्पेशल एक्सरसाइज हमने ऑर्गेनाइज की थी राफेल प्लेन सबको पता है राफेल प्लेन्स की हम लोग बात करते हैं सो राफेल प्लेन्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे बिकॉज ये भी हमने फ्रांस से ही लिए हुए तो राफेल प्लेन्स का पार्टिसिपेशन डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन जो जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था इसके अंदर पार्टिसिपेशन हुआ था तो ये एक अलग स्पेशल एक्सरसाइज है ये भी फ्रांस के साथ ऑर्गेनाइज की गई थी एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ट्वेंटी यार एक बात मुझे बता दीजिए जो राफेल प्लेन्स है ये राफेल प्लेन्स हमने किस कंपनी से खरीदे हुए हैं चर्चा में बहुत चल रहा है कि इस प्लेन को लेके पता नहीं कब चर्चाएं खत्म होगी ये अभी भी न्यूज में चल रहा है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए ये कौन से कंपनी से हमने प्लेन खरीदे हुए हैं जिसका नाम है राफेल यस द सोल्ट यस द नेम ऑफ द कंपनी इज दसोल्ट ऑब्वियसली कंट्रीज फ्रांस एवरीवन नोज अबाउट दैट द नेम ऑफ द कंपनी इज दसोल्ट द इज द नेम ऑफ द कंपनी ध्यान रखिए क्वेश्चन ना एक पॉइंट एक है करंट अफेयर्स वाला आपसे डिस्कस करना है नीति आयोग एंड डसोल्ट फाउंडेशन ये जो डसोल्ट कंपनी है इसका अपना एक एनजीओ है उस एनजीओ का नाम है फाउंडेशन नीति आयोग और डिसल्ट फाउंडेशन का एक टाइप हुआ है रिसेंटली रिसेंटली फाउंडेशन एंड नीति आयोग इनका टाइप हुआ है टाइप क्यों हुआ है जो स्टूडेंट्स है हमारे स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स है अगर थ्री टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अगर कुछ इनोवेशन करना चाहते हैं थ्री टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कुछ नई नई चीजें लाना चाहते हैं तो नीति आयोग और डसाल्ट फाउंडेशन उनको मदद करेगी अटल इनोवेशन मिशन के अंदर के देखिए न्यूज डिफिकल्ट है कहां से कहां पहुंचे हम लोग राफेल राफेल से डसोल्ट डसोल्ट दसौल से डसोल्ट फाउंडेशन उनका टाइप हुआ है नीति आयोग के साथ टाइप क्यों हुआ है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर हमारे कंट्री के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं अगर उनको पास थ्री टेक्नोलॉजी में कोई नया इनोवेशन है कोई नई आइडियाज है तो उनको प्रमोट किया जाएगा उनको सपोर्ट किया जाएगा उनको अवार्ड दिए जाएंगे बाय दिस टू अथॉरिटीज ध्यान रखिए ये है करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका कि आप में से बहुत सारे लोग इसी तरीके से पढ़ते हो दैट्स अ वेरी गुड थिंग पर अब भी बाकी लोग भी इसके तरफ याद रखेगा ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाए चलो हरदीप सिंह पुरी द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस एंड हाउसिंग एन अर्बन अफेयर विलीड दल एंड बिजनेस डेलीगेशन टू यूएम टू सेवनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी हरदीप सिंह पुरी साहब ये अभी यू जा रहे के अब इनके जाने का पर्पज क्या हैोइंग टू यू एज ए लीडर ऑफ इंडिया फॉर द एज अ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस मिनिस्टर इस हैसियत से ही इज लीडिंग इंडियन द बिजनेस ऑफिशियल He is leading the Indian uh, the contingent in UAE अब exactly क्या purpose है डिस्कस करते हैं अगेन हरदीप सिंह पुरी साहब दो मिनिस्ट्रीज है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एज वेल एस अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री अब अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री के हैसियत से वो नहीं जा रहे वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हैसियत से जा रहे तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है तो लेट स्टॉक अबाउट दैट देखिए अबुदाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के एडीपेक एडीपेक बड़ा फेमस है बहुत ही फेमस है अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन टीम को लीड कर रहे हमारे हरदीप सिंह पुरी साहब जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है के, अब यहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी चार्टिंग द क्लाइमेट एक्शन पाथ फ्रॉम सीओपी ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सेवन अब अब आएगी मजा अब आएगा मजा यहां पे देखिए ही इज गोइंग टू धाबी अटेंड अबुदाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सिबिशन अर्बन मिनिस्टर ये भी हमें पता चल गया अब देखिए वो एक मीटिंग को अटेंड करने वाले और मीटिंग का नाम देखिए चार्टिंग द क्लाइमेट एक्शन पाथ फ्रॉम सीओपी ट्वेंटी सिक्स टू सीओपी ट्वेंटी सेवन सीओपी ट्वेंटी सेवन पे जल्दी बता दीजिए सीओपी ट्वेंटी सेवन कहां पर ऑर्गेनाइज होने वाला है जल्दी बता दीजिए तो ट्वेंटी सिक्स जो हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ब्लासगा के अंदर वहां से ट्वेंटी सेवन जाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लेने पड़ेंगे क्या क्या करना पड़ेगा उसका भी डिस्कशन इसी मीटिंग के अंदर इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाएगा और इसमें इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर शुमार हो रहे पार्टिसिपेट हो रहे इंडिया को लीड कर रहे यस yes, इजिप्ट के अंदर 27 ऑर्गेनाइज किया जाएगा बहुत बढ़िया एब्सोल्युटली राइट सो सीओपी 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 ये इजिप्ट में ऑर्गेनाइज होगा देखिए क्लाइमेट चेंज वापस एक बार आ गया पूरी विनोग्रेट द इंडियन पेवलियन सेटअप ज्वाइंटली बाई द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री डायरेक्टोरेट ऑफ जनल ऑफ हाइड्रोकारेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तो इस एग्जीबिशन के अंदर जो अबुधाबी के अंदर है वहां पे हमारा एक स्टॉल uh, भी एक पेवेलियन भी लगा हुआ है इसका भी इनोग्रेशन पूरी साफ़ करने वाले अपॉर्चुनिटीज है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में इनोग्रेशन करेंगे अबुधाबी के अंदर ध्यान रखेगा uh, दैट विल कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहे कहा गए हुए के? और हमारे पूरे टीम को लीड कौन कर रहा है ये कुछ चीजें जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे याद है आपको

that will be enough. या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री से यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला साहब की बात करेंगे फिशरीज एनिमल एंड डेयरी मिनिस्ट्री यार एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं थोड़ा सा मिनिस्ट्री से ओरिएंटेड क्वेश्चन है मुझे ये बताइए पहले ये मिनिस्ट्री किसके पास थी पहले ये मिनिस्ट्री किसके पास थी और अभी उन भाई साहब के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, अभी भी होते, अभी भी उनको बहुत है. तो पहले फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग गिरिराज सिंह अभी गिरिराज सिंह के पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ministry, ध्यान रखो स्टूडेंट्स बहुत बार गड़बड़ करते कल ही मैं किसी एक बैच में क्वेश्चन करवा रहा था so कि इनके पास नई मिनिस्ट्री आ एक्सेप्टेंस लेवल ही नहीं था के? तो ऐसा मत करो तोमर साहब के तो पास नहीं अभी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह साहब के पास है वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। बताने की जरूरत तब पड़ती है जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स गड़बड़ करते तो एग्जाम में गड़बड़ ना हो ध्यान रखेगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया आ, यस अब वापस आते न्यूज के ऊपर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री इनके पास है अब नेशन वाइड ए एच डी एफ के सीसी कैंपेन ए एच डी एफ एनिमल हस्बेंड्री के डेयरिंग इसकी बात की जाएगी कैंपेन का मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड अब आएगा मजा अब ध्यान दीजिए किसान क्रेडिट कार्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड ये कंसेप्टीन 1998 में बनाया गया था नाबार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था इसको और इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया था आरवी गुप्ता कमिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ये आरवी गुप्ता साहब का नाम इतने बार एग्जाम में पूछा गया है स्पेशली जिनकी एसबीआई और आईबीपीएस पीओ की एग्जाम है भैया आप ध्यान रखिएगा बैंकिंग में इनके ऊपर इतने बार क्वेश्चन पूछा गया कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है आरवी गुप्ता किसान क्रेडिट कार्ड ये क्या होता है हमारे जो फार्मर्स उनको बहुत बार लोन की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए 1998 में यशवंत सिन्हा साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे नाबार्ड की अगुवाई में आरवी गुप्ता कमेटी बनाई गई और आरवी गुप्ता कमेटी ने यह आइडिया दिया कि ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि जब भी फार्मर को लोन की जरूरत पड़ेगी इस आ, किसान क्रेडिट कार्ड के मदद से वो थोड़ा बहुत पैसा बोरो कर सकता है अब यही किसान क्रेडिट कार्ड अब इंडिया के एनिमल हस्बेंड्री डेरिंग और बाकी जो अलाइड बिजनेस होते हैं उनके लिए भी प्रोवाइड किए जाएंगे उनको भी दिए जाएंगे और ये पॉइंट मेंशन किया देखिए तो फिशरीज के फार्मर्स होंगे एनिमल हस्बेंड्री वाले होंगे या फिर पोल्ट्री फार्म चला रहे होंगे उन सबको भी अगर किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उनको प्रोवाइड किया जाएगा ऑलरेडी बजट के टाइम पे ऑलरेडी आत्मनिर्भर के टाइम पे मोदी साहब और निर्मला जी ने इसका अनाउंसमेंट किया था आपको याद होगा जो लोग काफी दिनों से अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको याद होगा कि मोदी साहब अनाउंसमेंट कर चुके, चुके यहाँ पे न, ट्वेंटी टू चाहिए था वेरी सॉरी फॉर दैट यहाँ पे ट्वेंटी टू चाहिए था नहीं जाएंगे ना तो दो हजार बाईस की बात की जाएगी कैंपेन चलने वाला है फिफ्टीन ऑफ फिफ्थी ट्वेंटी टू याद रखेगा ठीक है चलो क्लियर uh, clear है आर वी गुप्ता आर बी नहीं आर वी गुप्ता के वी वी चलो अंडर दिस कैंपेन द टारगेट फॉर दिस डिपार्टमेंट इज टू कवर द एलिजिबल फार्मर्स हुर इन्वॉल्व इन एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज लाइक बोवियंस गोट पिग पोल्ट्री मैंने कहा था अलाइड एग्रीकल्चर को सपोर्टिंग जो आ, एनिमल फिशरीज वाला या पोल्ट्री वाला बिज़नेस बिज़नेस है वाला है वाला उन सब के लिए ये कार्ड मुहैया करवाए जाएंगे प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी शुरुआत अभी, आ, इन्होंने कर here, <coughs> okay, guys, आगे बढ़ते ना सर्टिफिकेट साइट को दे रहा है सात्विक सर्टिफिकेट अभी क्या होता है ट्रेन के अंदर वेजिटेरियन खाना मिल रहा है के? तो जिस ट्रेन के अंदर पूरा का पूरा खाना वेजिटेरियन मिलेगा उस ट्रेन को सात्विक ट्रेन का सर्टिफिकेशन मिलेगा यस सात्विक सर्टिफिकेशन उस ट्रेन को दिया जाएगा यह क्या नया माज रहा है देखिए वेजिटेरियन ट्रेन इन कोलैबोरेशन विद सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया ना सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया यस ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछेंगे ध्यान दीजिएगा सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में और अभिषेक का विश्वास इन्होंने कंसेप्ट क्रिएट किया था सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑलरेडी आईआरसीटीसी के साथ मिलके ये लोग इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहां पे कुछ स्पेशल ट्रेन है जो रिलीजियस प्लेसेस पर जैसे रामायण ट्रेन की हमने बात की थी तो ऐसे ट्रेन के अंदर केवल वेजिटेरियन खाना प्रोवाइड किया जाएगा तो ऐसे ट्रेन को सात्विक ट्रेन या सात्विक सर्टिफिकेट ये कंसेप्ट प्रोवाइड किया गया ध्यान रखिए देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारे पास है दिल्ली टू कटरा के इसको सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिया दिया गया है तो यह भी एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा कि कौन सी ट्रेन है वंदे भारत रामायण की हमने बात की थी रामायण सर्किट वाला उसको भी यह प्रोवाइड किया गया अब देखिए सात्विक सर्टिफिकेशन स्कीम अलॉन्ग विध आई सी ऑन द ऑनफ्टीन ऑफ नवंबर सात्विक काउंसिल रिलीज द हैंडबुक ऑन द वेजिटेरियन फ्रेंडली डाइट इन विद कोबेशन विदीसी दैट 1999 में इसकी शुरुआत मार्केट में बिकना शुरू हो गए जब मार्केट में आ गए तो बहुत बवाल हो गया था काफी लोगों ने उनके आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था तो यस सो ये सात्विक ट्रेन या सात्विक सर्टिफिकेट वाला कंसेप्ट याद रखेगा अगेन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अब सात्विक काउंसिल क्या है फर्स्ट वेजिटेरियन फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में पहली बार वेजिटेरियन फूड के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई है कि जो से जा रहा है। तो वेजिटेरियन फूड को चेक करती है और उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है तो आपका वेजिटेरियन फूड कितना अच्छा है और कितना बुरा है इसका सर्टिफिकेशन सात्विक काउंसिल प्रोवाइड करती है दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है ध्यान रखिएगा इट्स ओनली फॉर द वेजिटेरियन एंड इट्स अ प्राइवेट अथॉरिटी एंड जो अभी आई आर सी टी के साथ मिलकर यहाँ पे काम कर रही है ठीक है ध्यान रखिएगा क्लियर यस गाइस ऑल ओके सात्विक काउंसिल समझ में आ गया आपको चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते ना मोदी साहब अब ये ये तो सबको पता है बहुत सारे फोटोज आ रहे थे मध्य प्रदेश गए थे और मध्य प्रदेश में इन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया रानी कमालापाती रेलवे स्टेशन के सो अब यहां पे क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले नो डाउट अबाउट दैट यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज के अ मल्टीपल क्वेश्चन विल बी आस फ्रॉम दिस न्यूज चलो एक बार बात करते हैं द नेम हैज बीन आफ्टर द ब्रेव एंड फियरलेस क्वीन कमला पति के फ्रॉम द गोंड किंगडम गोंड किंगडम से बिलोंग करती थी बस इन्हीं का नाम यहां पे दिया गया है तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ये यह क्वेश्चन यहां पे बन सकता है और नाम रखा हुआ है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ध्यान रखेगा गोंड किंगडम से ये बिलोंग करती थी ना अब देखिए Uh, सबसे बड़ी बात है uh, दिस दिस होल रेलवे स्टेशन इज वर्ल्ड क्लास डिजाइन दिव्यांग स्पेशली दिव्यांग जो होते जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए ये काफी फ्रेंडली स्टेशन बनाया गया है सो दैट इज द केस क्वेश्चन तो वही है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हमने चेंज कर दिया ये सबसे पहला क्वेश्चन है के नाम चेंज जब भी होते एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा विल बी दिस न्यूज़ ज्यादा और कुछ यहां पे देखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी के याद यस ऑल ओके हाँ एक और पॉइंट मेमू ट्रेन बिटवीन द उज्जैन इंदौर एंड द इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन क्या होता है अब ध्यान रखिए यहां पे मेमू ट्रेन के दो नए मेमू ट्रेन है इनको भी फ्लैग ऑफ किया गया मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट

इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट इस नाम से इस ट्रेन को चलाया जाता है मेमू ट्रेन और जिसका भी रिसेंटली शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के अंदर बाय नरेंद्र मोदी साहब ध्यान रखेगा ठीक है चलो तो ये भी एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या दैट विल बी इनफ यस मामा जी यहाँ पे सीएम है है शिवराज सिंह चौहान साहब की बात करेंगे चलो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द एग्जाम

पार्लियामेंट्री लॉज में कुछ बदल करने पड़ेंगे और वही बात पे की गई है उसके लिए ऑर्डिनेंस पास करवाया हुआ है हमारे प्रेसिडेंट साहब के हाथों से ध्यान रखिएगा इनका आ, साल किया जाएगा। दो साल ऑलरेडी होता है इनको अगर एक्सटेंशन देना है तो तीन साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा पर एक साथ तीन साल का नहीं मिलेगा ईयरली एक्सटेंशन मिलेगा जैसे सुबोध कुमार जायसवाल साहब अभी सीबीआई के इंचार्ज है अगर इनको एक्सटेंशन देना है तो वन ईयर और एक एक साल और एक साल तो टोटल पांच साल काम कर पाएंगे फाइव इयर्स उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा उसके बाद उनको रिअपॉइंट नहीं किया जाएगा तो और तीन साल उनको काम करने को मिल सकता है बट ईयरली इनको एक्सटेंड किया जाएगा इयरली एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया तो यस सुबोध कुमार जायसवाल साहब हमारे सीबीआई के हेड है ईडी के हेड कोई को बताएगा मुझे हु इज द हेड ऑफ द ईडी यस yes, जल्दी बता दीजिए ईडी के हमारे हेड कौन है उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा के बाय द वे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो होता है इट कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री ठीक है देखिए ऑर्डिनेंस आर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 21 एंड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 21 इसके अंदर ये आएगा के टेन्योर uh, वैसे दो साल का होता है अब uh, इसको बढ़ाने की बात यहां पे की गई है ध्यान रखिएगा यस गाइस या यहां पे आते हैं देखिए ऑर्डिनेंस की तो हमने बात कर ली थी कि ये नया है जिसको पास किया गया एंड बी इसको आ, एक एक नो एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड टू एन इडियन सीबीआई अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स पांच साल का अगर पीरियड आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा एंड थ्री टर्म्स विल रिक्वायर थ्री सेपरेट एनुअल एक्सटेंशन

अगेन uh, जब हम लोग बात करतेट तो एनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट ये आपके फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करेगा ध्यान रखेगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो ये फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है इनका काम क्या है कि पैसों की हेरा फेरी पैसों की अफरा तफरी या बाहर कंट्री से जो पैसा आता है उसमें अगर कुछ फ्रॉड किया होगा तो एनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट यहां डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सो निर्मला जी पे पे हेड रहेगी निर्मला जी यहाँ पे इंचार्ज रहेगी सीबीआई की जब बात करेंगे तो वहां पे हमारे मोटा भाई हमारे अमित शाह साहब आएंगे पर यहाँ पे निर्मला जी आने वाली है ध्यान रखिएगा ओके सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है गाइस स क्लियर है एनी क्वेश्चन एनीथिंग यू पीपल वॉन्ट टू आंस ओवरियर के चलो नेक्स्ट वाते नाव केसर ए हिंद अरुणाचल स्टेट बटरफ्लाई केसर ए हिंद यह नाम दिया गया स्टेट बटरफ्लाई को ना केसर ए हिंद ये बटरफ्लाई जो है आप आप इमेज देख सकते हो यू कैन सी द इमेज आप यहां पे इमेज देखिएगा सो दिस इज द इमेज विच इज मेंशन ओवर ये नाउ अरुणाचल चलो अरुणाचल के सीएम साहब का नाम यहां पे लिखा हुआ है पेमा खांडू जल्दी से अरुणाचल के गवर्नर साहब का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कौन है गवर्नर अरुणाचल के नाउ ये बटरफ्लाई इसको नाम दिया गया केसर हिंद बेसिकली ये बटरफ्लाई चाइना और जो अरुणाचल का एरिया है वहां पे काफी ज्यादा पाई जाती है तो अरुणाचल गवर्नमेंट ने इसको स्टेट बटरफ्लाई ये टैग दिया हुआ है ऑब्वियसली तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ध्यान रखिएगा यस yes, बी डी मिश्रा साहब है राइट ठीक है अब देखिए उनकी कैबिनेट मीटिंग थी अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अरुणाचल गवर्नमेंट की कैबिनेट मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग ये पेक के टाइगर रिजर्व के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी अब ये ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि ये टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर है और ये न्यूज में चल रहा है देखिए बहुत सारे लोग ना स्टैटिक के पीछे भागते हैं और लोग उनको पागल भी बनाते हैं कि ये भी स्टैटिक पढ़ लो वो भी स्टैटिक पढ़ लो स्टैटिक जब पढ़ना होता है स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में तो करंट के एंगल में पढ़ना होता है तो प्लीज अपना टाइम बर्बाद मत करना फालतू में स्टैटिक पढ़ने के चक्कर में जो करंट में चल रहा है उसी एंगल में और पेक के टाइगर रिजर्व के अंदर ये हुआ, तो में क्वेश्चन पूछ सकते टाइगर रिजर्व रिसेंटली किसी स्टेट का कैबिनेट मीटिंग हुआ है तो याद रखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि वो भी कार्बन एमिशन कम करेंगे मोदी साहब ग्लासगो में अनाउंस करके आए कि बाय 2070 इंडिया का CO2 एमिशन जीरो करना है अरुणाचल प्रदेश ने भी कहा कि हम भी मदद करेंगे CO2 एमिशन कम करने के लिए और उसी वक्त में यह कैसर हिंद को स्टेट बटरफ्लाई का टैग दिया गया सो so, इसकी बात करेंगे देखिए टेनापोलोपस एम्पेरियालिस के ये उसका साइंटिफिक नेम है इस बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम देखिए टेनापोलोपस एम्पेरियालिस इज द नेम ऑफ दिस बटरफ्लाई साइंटिफिक नेम और इसको कैसे रेहिंद ये नाम दिया गया है एंड दैट इज द केस ओवर हियर अब ये भूटान नेपाल लाओस म्यांमार साउथ चाइना वियतनाम इस एरिया में ये बटरफ्लाई का टेर ये बटरफ्लाई का स्पीसीज पाया जाता है पर अभी अरुणाचल ने इसको स्टेट नाम स्टेट बटरफ्लाई का टैग दे दिया दैट विल बी इनफ ओवर हियर ठीक है चलो नाउ बिगेस्ट न्यूज़ न्यूज़ इस news के कल हम और डिटेल में बात करेंगे वैसे मेरे फाइनेंशियल समाचार में इसके ऊपर बात की जाएगी क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ट्रबल चल रहा है बहुत इश्यू चल रहे आप लोगों को पता होगा क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक, एक स्कैम है जो कर्नाटका के अंदर अभी ओपन हो रहा है कर्नाटका में एक आ,

हीटेड uh, टॉपिक चल रहा है आजकल हमारे देश के अंदर तो वेरी सुन यू विल सी अ न्यू लॉ फॉर द क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया और क्रिप्टो करेंसी का जो डर था कि करप्शन करने के लिए ड्रग्स मनी के लिए और गलत चीजों के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जाएगा जो पूरी दुनिया कह रही थी वो अभी इंडिया के अंदर भी पाया जा रहा है लेट्स सी पार्लियामेंट आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कहती है इसके ऊपर बात की जाएगी इवन मोदी साहब ने भी इसके लिए मीटिंग बुलाया है के, इस मीटिंग के अंदर मोदी साहब भी प्रेजेंट थे कि क्या एग्जैक्टली exactly किया जाए बिकॉज क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है रेगुलेशन का मतलब वॉच रखना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ये किसी कंट्री का नहीं है के, ये बहुत ही एट्रेंडम तरीके से वर्क करता है एंड दैट्स आरबीआई क्या कहती है लेट्स टॉक अबाउट लेट्स लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम भी कहा था कि बैन मत करो बैन मत करो पर इसको कंट्रोल मैनर में रखिए इवन पार्लियामेंट्री पैनल भी वही कह रहा है कि बैन मत करो इसके ऊपर रेगुलेशन करो अब रेगुलेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये आरबीआई डिसाइड करेगी सो लेट्स सी क्या होने वाला है इस न्यूज को फॉलो करना स्पेशली जिनको बड़े लेवल की एग्जाम देनी है ऑफिसर लेवल की एग्जाम देनी है आप लोग प्लीज इसके तरफ ध्यान रखिएगा आपके लिए बहुत मैटर करेगा ठीक है ड्रग्स की बात करो तो ये ये आर्यन खान तक जाने की क्या जरूरत है क्या जरूरत है के मैंने कहा कर्नाटक के अंदर एक केस हुआ था कहां से कहां जाते हो भाई पढ़ाई की तरफ ध्यान दो ना क्या फालतू की बकर आपको इंपॉर्टेंट है कि जो काम का है वो पढ़ो कहीं भी जाना कुछ भी चीजें फालतू में डिस्कस करना वो किसी काम का नहीं है कि डोंट बिहेव लाइक अ मीडिया पर्सन उत्तर प्रदेश गॉड्स इट्स फर्स्ट ऑपरेशनलाइज प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑन द द ऑफ नवंबर नाउ दिस इज मोस्ट न्यूज बाल दिवस डे के दिन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनका प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ऑपरेशनलाइज किया प्राइवेट सेक्टर इस फैसिलिटी के अंदर प्राइवेट कंपनियां डिफेंस इक्विपमेंट क्रिएट करेगी तो योगी साहब भी यहां पे थे राजनाथ सिंह साहब भी यहां पे थे डिफेंस मिनिस्टर वही है और ये प्राइवेट कंपनियां अब यहां पे अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है डिफेंस एंगल में तो ये पॉइंट यहां पे याद रखना ऑब्वियसली राजनाथ सिंह साहब के हाथों से इसको इनॉग्रेट किया गया तो ड्रونز की बात करते हैं अलग-अलग वेपन्स एयरक्राफ्ट की बात करेंगे और बहुत सारी प्राइवेट इंडियन कंपनीज है टाटा महिंद्रा या भारत फोर्ज ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो फिलहाल <coughs> सॉरी uh, जो फिलहाल डिफेंस uh, के एंगल में काम कर रही है बस उन्हीं कंपनीज के सेंटर्स यहां पे ओपन कर सकते हैं तो लखनऊ में देखिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ यहां पे ये प्राइवेट सेंटर है प्राइवेट ऑपरेशनल डिफेंस ऑपरेशनल सेंटर है जिसका यहाँ पे इनग्रेट इनग्रेशन किया गया अगेन इस सेंटर में गवर्नमेंट कंपनियां काम नहीं करेगी इसमें केवल प्राइवेट कंपनियों के लिए ये क्रिएट किया गया है के okay. ओके <coughs> okay, चलो आगे बढ़ते हैं ज द हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल द वांग्ला फेस्टिवल ऑफ मेघालय के मेघालय के अंदर जिसको हम लोग हंड्रेड फेस्टिवल बड़ा फेमस है ऑल्सोल फेस्टिवल है और फेस्टिवल्स के ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं जो सीजन चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे बहुत सारे फेस्टिवल्स ता, लास्ट टाइम हमने केरला के फेस्टिवल की बात की थी बिशप के याद में वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं अब यहाँ पे ड्रम फेस्टिवल है मेघालय का जल्दी से मेघालय के सीएम और मेघालय के गवर्नर का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं और ड्रम फेस्टिवल फेस्टिवल कॉल्ड एज वांगला पे ऑर्गेनाइज किया जाता है के, तो नॉर्मली ऑफ नवंबर से एक टोटल वीक तक ये फेस्टिवल चलता है कि गारो ट्राइब जो है गारो ट्राइब का ये मेन फेस्टिवल है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कौन सी ट्राइब है जिसका ये फेस्टिवल है सो गारो ट्राइब वाला पॉइंट यहां पे याद रखिएगा ठीक है यस 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 गाइस एब्सोल्युटली संगमा सत्यपाल मलिक चलो बहुत बढ़िया सो uh, so, देखिये ट्राइबल्स मैं दे सैक्रीफाइजेस टू देयर गॉड के सो so, गारो ट्राइब याद रखेगा uh, पहले दिन नॉर्मली वो लोग जो सन गॉड है के? Uh, यहाँ पे नॉर्मली होता है कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है Uh, कुछ सैक्रीफाइसेस किए जाते हैं एग्रीकल्चर ओरिएंटेड फेस्टिवल है और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हंड्रेड के सराउंडिंग एक डांस फॉर्म होता है और वही ये 100 है, जिसको वांगला भी कहा जाता है uh, आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे लोन पैक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अगरतला अगरतला त्रिपुरा की बात की जा रही है त्रिपुरा के लिए गवर्नमेंट ऑफ़ एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिसेंट लोन है त्रिपुरा त्रिपुरा के सीएम गवर्नर का नाम तो आप कमेंट सेक्शन में डालना ही आपको पर उसके अलावा ध्यान दीजिएगा अब पैसे क्यों लिए जा रहे त्रिपुरा के अंदर देखिए त्रिपुरा के अंदर डेवलपमेंटल एंगल में लिवेबिलिटी हार्नेस टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट द न्यू डेवलपमेंट इन द त्रिपुरा तो त्रिपुरा के अंदर अर्बन डेवलपमेंट त्रिपुरा के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और त्रिपुरा के अंदर बाकी अदर भी डेवलपमेंट्स करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से एशियन डेवलपमेंट बैंक से

आगे बढ़ते हैं हिंदी की बड़ी फेमस नॉवेलिस्ट थी मनु भंडारी <coughs> इनका रिसेंटली देहांत हो गया मनु भंडारी जी की नॉवेल्स बड़ी फेमस है मनु भंडारी जी की खासियत है, है कि कि इनकी खासियत यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इन पांचों स्टेट्स की तरफ से इनको साहित्य का अवार्ड दिया गया था वन ऑफ द रेयरस्ट ऑफ द रेयर साहित्य है इंडिया की नॉवेलिस्ट है इंडिया की यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश इन पांचों स्टेट की तरफ से इनको साहित्य का अवार्ड दिया गया था तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स आपको आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है प्लस व्यास सम्मान जो के के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान होता है उस व्यास सम्मान से भी इनको नवाजा गया था और हिंदी साहित्य का भी अवार्ड इनको दिया गया था रिसेंटली इनका देहांत हो गया आपकी भाती महाभोज जैसी नॉवेल्स इन्होंने लिखी हुई है इवन इनके राइटिंग्स के ऊपर मूवीज भी बनाई गई रजनी गंदा नाम की एक मूवीज है 1974 में बनाई गई थी ये मूवी इन्हीं के नॉवेल का एडप्शन थी ध्यान रखिएगा वैसे उनका जन्म मध्य प्रदेश के अंदर था अगेन मैंने कहा था यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया था तो इनका रिसेंटली देहांत हो गया एक और बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है फ्रॉम महाराष्ट्र हिस्टोरियन और पद्म विभूषण अवार्डी बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे पुरंदरे बाबा साहेब पुरंदरे जिनको कहते थे बड़े फेमस पर्सनैलिटी थे शिवाजी महाराज के शिवाजी महाराज की पूरे लाइफ स्टोरी को जिन्होंने एक नया आयाम दिया था पूरे वर्ल्ड में फेमस किया था उन बाबा साहेब पुरंदरे साहब का कल देहांत हो गया तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछना तो बहुत लाजमी है वन ऑफ द वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया

शेलार खिंड गोट किले के, के पुरंदरा दौलत जैसे कुछ मराठी में उन्होंने बुक्स लिखी हुई है विच आर वेरी फेमस और इनका एक प्ले है प्ले का नाम है जानता राजा वन ऑफ द वेरी फेमस प्ले ये 1985 में इस प्ले को इस नाटक को उन्होंने दिग्दर्शित किया था जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है शिवाजी महाराज की स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है और जिनका रिसेंटली देहांत हो गया ठीक है तो याद रखे क्वेश्चन बहुत सारे है जो पुरंदर साहब को लेके आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे तो गाइस इन्हीं महान लोगों को याद करते हुए के इनके वर्क को याद करते हुए हम आज आपसे अलविदा लेते हैं uh, 11 बजे एक सेशन है जहां पर इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे 30 मिनट्स में हम लोग पचास क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट uh, डेज वाले लास्ट थ्री मंथ्स के तो उस सेशन को अटेंड करना मत भूलिएगा ठीक so है सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा बाय